राजस्थान जिला झुंझुनू के उदयपुर वाटी में महाराव शेखाजी महाराज की जयंती शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। वक्ताओं ने बताया कि राव शेखाजी उदारवादी सर्वधर्मों तथा महिलाओं का सम्मान करने वाले शासक थे। उदयपुर वाटी में भैरव घाट के निकट इंद्रपुरा रिसोर्ट इन हेरिटेज में आयोजित प्रतिभा एवं वृद्धजन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह अमेठी ने कहा कि शेखावटी और अमेठी के राजपूतों में कोई फर्क नहीं है। 1000 साल पहले अमेठी के राजा ही आमेर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अमेठी से 45 साल तक आमेर राज्य का संचालन किया था। समाज के लिए योगदान एवं बलिदान की आवश्यकता पड़ने पर राजपूती युवाओं को आगे रहना चाहिए, यह हमारी संस्कृति और पहचान है। कांग्रेस महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने कहा कि शेखावटी में परंपरा रही है कि राष्ट्र के सम्मान के लिए क्षेत्रियों के साथ क्षेत्रानियों ने भी बलिदान दिया। हमें अपनी माताओं और बहनों पर गर्व है। महाराव शेखाजी नारी के सम्मान के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों से लोहा ले लेते थे। राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि समाज के ऐसे लोगों को सत्ता में भेजना चाहिए जो सदन में जाने के बाद समाज और संस्कृति के लिए आवाज उठाए, एवं पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद सिंह, वीरपाल सिंह, गुड़ा लोकेश सिंह शेखावत, छोटू सिंह शेखावत, हरनाथ सिंह शेखावत आदि ने विचार प्रकट किए। महाराव शेखा जयंती के उपलक्ष्य के बारे में पूरे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा? ये जाएगा कि शेखा जी के वंशज अपने पूर्वजों का जो जयंतियां हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और सर्व समाज को साथ रख के मनाते हैं। इसके अलावा हर समाज की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हर बड़े का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हर महिला का सम्मान करना हमारा फर्ज है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं और हमारे समारोह में जो होनहार बच्चियां हैं, होनहार बच्चे हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करते हैं और शेखा जी की जो बताए हुए आदर्श है उन पर चलने की कोशिश करते हैं। राजनीति करते हैं मेघवाल समाज की, दलितों की। वो दिल्ली में, बॉम्बे में बड़े बड़े जगह बैठे थे, यहाँ कौन आया था लड़ने के लिए? दांगावास कोई आया था या अजमेर कोई आया था? सिर्फ एक धर्मपाल कटारिया, राजेंद्र जी हुड्डा इनके नेतृत्व में हम बैठे रहे थे और सीबीआई जांच मिली तब उठे। उसके बाद चारणों पर आँच आए, अजमेर में हम लड़ने के लिए गए, चारणों पर 302 का झूठा मुकदमा लगाया जा रहा था, वो हमने नहीं लगाने दिया। आपने देखा रावणा राजपूतों पर आँच आई, आनंद पाल का फर्जी इनकाउंटर हुआ, हम लोग लड़े। हमारी माँ पद्मावती पर आँच आई तब भी ये आरएसएस जो मौन भागवत हैं, ये मौन धारण करके एक शब्द नहीं बोले, जिसने हिंदुत्व को कायम रखने के लिए उन दरिंदों से एक उंगली तक टच नहीं होने दी और उसने जोहर चुना पद्मावती जी ने, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए ये लोग जो हिंदुत्व की बात करते। सिर्फ हिंदुत्व तो इनको वोट के लिए चाहिए, बाकी हिंदुओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, पर इनको वोट मिलने चाहिए। इस भाईचारे को हम कायम करने के लिए हम पूरे देश के अंदर आज 19 प्रदेशों में हमारी टीम है। मध्य प्रदेश में अभी उज्जैन में हमने 10 लाख इकट्ठे लोग इकट्ठे किए थे और भोपाल में एक हमारा सामूहिक मीटिंग हुई थी, उसमें भी 2.5 से 2 लाख लोग थे। और मैं अभी 23 तारीख को चित्तौड़ में बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूँ, 25 को सिरोही में मीटिंग है, 3 तारीख को बाड़मेर में है, 21 तारीख को कर्नाटक के बेंगलोर में है। तो हमारी मीटिंग है तो लगातार ही चल रही है, मैं रुक ही नहीं रहा हूँ पिछले 4 साल से, आपने देखा होगा। और युवाओं को जगाने के लिए और जो क्षत्रिय विभिन्न विभिन्न भागों में बंटे हुए थे उनको एक केसरिया ध्वज के लिए एक जाजम पर लाना चाहता हूँ, ताकि क्षत्रिय एक जाजम पर आ गए तो सर्व समाज का भला होगा। सर्व समाज के लिए वो क्षत्रिय पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे।